हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको आज की जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, जो है शिक्षकों के साथ हुई बैठक। और इसमें यहाँ पर जो है 2269 जो LT शिक्षक थे उनके जो है लेक्चर के पद पर जो है पदोन्नत का मामला यहाँ पर अटका हुआ था और अभी भी यहाँ पर जो नहीं सुलझ पाया। तो ये बताया गया नहीं सुलझ पाया वरिष्ठता विवाद। तो यहाँ पर देखते शिक्षा विभाग के जो है अधिकारियों की जो है शिक्षकों के साथ बैठक यहाँ पर के बाद भी वरिष्ठता विवाद यहाँ पर नहीं सुलझ पाया है। और यहाँ पर बताया गया कि शिक्षकों के मुताबिक जो है विभाग को जो है 3 महीने के भीतर जो है वरिष्ठता तय कर पदोन्नत करनी थी, लेकिन विभाग जो है शिक्षकों की यहाँ पर जो है वरिष्ठता तय नहीं कर पाया है और इसी वजह से आपके प्रमोशन रुके हुए हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षकों की वरिष्ठता और यहाँ पर पदोन्नत के मामले में जो है विधिक राय के बाद जो है जल्दी कोई रास्ता यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। तो जल्दी यहाँ फैसला लेने की बात कही और इसके बाद जो यहाँ पर शासन को जो है रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी जो कि यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक जो कि बंसी तिवारी ने कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर निर्णय BSc नर्सिंग में जो है अब 15 जनवरी तक जो है लिया जा सकेगा प्रवेश। तो BSc नर्सिंग में जो है 15 जनवरी तक जो है प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए अब जो है जनवरी तक जो है बढ़ा दी है डेट। और वही बात करें यहाँ पर BPDO भर्ती को लेकर तो 106 चयनित युवाओं की जो है OMR सीट भी यहाँ पर जो है जांची जाएंगी। तो यहाँ पर उनकी OMR सीट जानने की बात कही 106 लोगों की, तो STM ने जो है शीर्ष 90 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर OMR सीट की कार्रवाई यहाँ पर फॉरेंसिक जांच की है। और कहा गया कि BPDO भर्ती घपले में जो है बड़े स्तर पर जो है धांधली हुई है और OMR सीट की जो है फॉरेंसिक जाँच की पुष्टि हुई है। और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य चयन आयोग ने उक्त चयनित 196 पदों में जो है शीर्ष 90 की जो OMR सीट है जांच के लिए यहाँ जो है भेजी है। तो 196 पदों में से यहाँ पर जो है 90 पदों के लिए जो थे उनकी OMR सीट भेजी है जांच के लिए। और इसमें यहाँ पर बताया गया कि 54 की जो OMR सीट थी उसमें गड़बड़ी पाई गई। तो 54 की जो OMR सीट थी उसमें गड़बड़ी पाई गई है। और यहाँ पर 196 युवाओं का जो है चयन हुआ BPDO परीक्षा में। और इसमें यहाँ पर कई लोग यहाँ पर बताए गए शामिल हैं। और कन्याल के घर पर जो है जांच जांची गई थी ओमार। तो यहाँ पर देखते हैं कि STM की जो है जांच में सामने आ रखा है कि ओमार सीट में धांधली हुई है। कन्याल का मकान किराए पर लेकर जो है वहीं पर जो ओमार सीट चेक करी थी। और अदालत में जो यहाँ पर 4500 पेज की जो है चार्जशीट दाखिल। तो अदालत में जो है 4500 पेज की जो है BPDO भर्ती को लेकर जो है चार्जशीट कर दी गई है STM ने। और वहीं बात करें यहाँ पर राहत प्रदेश में जो है कोरोना के जो है 14 नए मामलों में जो है केवल ओमिक्रॉन है और कोई नया वेरिएंट नहीं बताया गया है। और वहीं बात करें व्हाट्सएप पर जो है मिल सकेगी पुलिस जवानों की छुट्टी। तो व्हाट्सएप पर जो है अधिकारियों को यहाँ पर देनी होगी रिपोर्ट और वहीं पर जो है आपको छुट्टी मिल जाएगी। और बात करें यहाँ पर यूके त्रिपल सी सॉरी UOU के जो है तकनीकी कोर्स करने वालों के लिए यहाँ पर जो है रोजगार की लाल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तकनीकी डिप्लोमा को जो है कंपनी ने जो है अमान्य ठहराया और छात्रों का जो है विश्वविद्यालय के बाहर जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू। तो यहाँ पर देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है क्योंकि इनकी जो डिग्री थी उपनिवेश से करीब उसको यहाँ पर कंपनी ने अवैध घोषित कर दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही बात करें उत्तराखंड में जो है प्रदेश में बेरोजगारी 3% बढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महीने में जो है बेरोजगारी 3% का जो है इजाफा होने का मामला यहाँ पर आया हुआ है। और इसमें जो है युवाओं को रोजगार देने की जो है दशा में पहल हो रही है। और वहीं यहाँ पर जो है कहा गया कि जल्द जो है रोजगार लगाने की जो है योजना बनाई गई है। और 3% यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही लगातार और लगभग लगभग 3% यहाँ पर बढ़ चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर यूके त्रिपल सी परीक्षा में बात करें ओमार सीट में छेड़छाड़ की पुष्टि हो चुकी है। और पूर्व जो अध्यक्ष हैं सचिव समेत जो यहाँ पर 6 के खिलाफ जो यहाँ पर चार्जशीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूके त्रिपल सी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और सचिव हैं उनके खिलाफ जो यहाँ पर चार्जशीट है। और टोटल जो है 6 अधिकारी मिलकर यहाँ पर जो इन्वेंट धांधली करवाई थी। और बताया गया कि यहाँ पर जो BPDO की भर्ती में जो है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य चयन आयोग के तत्काल जो अध्यक्ष सचिव थे परीक्षा नियंत्रक थे समेत 6 लोगों के खिलाफ जो है यहाँ STM ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और STM जो है SSP जो कि आयुष अग्रवाल ने बताया कि चार्जशीट में जो है अलीगढ़ चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट को यहाँ पर जो है साक्ष्य बताया है। और वहीं यहाँ पर जो है जो 54 OMR सीट की परीक्षा में जो है के बाद यहाँ पर छेड़छाड़ करके दोबारा जो है गोले भरने की जो है पुष्टि हुई है। तो 54 के यहाँ पर जो है जो OMR सीट थे वो फिर से भरे गए हैं बताया गया है। और पूर्व जो 3 अफसर हैं वो जेल में है अभी भी और जिसमें जो है धाराएं लगाई है अलग अलग। और यहाँ पर हाकम समेत जो है 3 की जो है चार्जशीट हो रही थी या तो हाकम के साथ साथ यहाँ पर 3 लोगों की चार्जशीट और तैयार की जा रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर पेपर लीक जो है काली सूची में यहाँ पर डाले जाएंगे सभी नकलची। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब नकलची वाले यहाँ पर योग्य त्रिपुरा जिन लोगों ने नकल की थी उन सभी को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि योग्य त्रिपुरा यहाँ पर जो है अब ब्लैक लिस्ट तैयार करने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि जांच रिपोर्ट के बाद जो है आयोग
लेगा परीक्षाओं से यहाँ पर जो है ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय। तो यहाँ पर देख सकते हैं जांच रिपोर्ट के बाद जो है यूके तो पर से खुद जो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट करने का जो है निर्णय लेगा। इसमें बताया गया है कि पेपर लीक के जो आरोपी अभ्यर्थी उनका उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग जो है परीक्षाओं से ब्लैक जो लिस्ट करेगा और इन उम्मीदवारों की जो है आयोग की जो है परीक्षा में जो शामिल होने पर जो है प्रतिबंध लगेगा। तो यह आयोग की परीक्षा में जो प्रतिबंध लगाने की बात की गई है और अभी तक जो है वह 3 भर्तियों जो है ऐसे करीब जो है 400 संदिग्ध अभ्यर्थियों को जो है एसटीएफ जो है चिन्हित कर चुके हैं। तो 400 लोगों के यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर चिन्हित हो चुके हैं और 400 अभ्यर्थी 3 रद्द परीक्षाओं में जो है अब तक जो है पाए गए। तो 3 परीक्षाएं जो आपकी रद्द हो चुकी है, बीडीओ बीपीडीओ है, वन दरोगा वाला है, रक्षक वाला है, तो इनमें जो है 400 लोग जो है पाए गए हैं। अब यहाँ पर जो है वो यूके की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसके लिए ब्लैक लिस्ट करने वाले हैं। अभी जो है एसटीएफ की रिपोर्ट पूरी नहीं आ रही, एसटीएफ के आने के बाद से उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा बताया गया है। और आयोग जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा में 4-5 दिसंबर 21 कर रही थी, इनमें कई लोग जो है नकलची पाए गए थे। और वहीं पर वन रक्षक वाला था, वन दरोगा वाला, ठीक है, और वहीं यहाँ पर सच वाला रक्षक वाला था। इसमें भी यहाँ जो है कई लोग संदिग्ध हुए, 150 लोग के करीब जो है संदिग्ध पाए गए हैं। और वहीं यहाँ पर लगभग 135 संदिग्ध यहाँ पर पाए गए हैं वीडियो वीडियो में। और वहीं यहाँ पर वन दुर्गा में यहाँ पर बताया गया है कि 129 लोग जो संदिग्ध पाए गए हैं। तो यहाँ पर 129 वन दुर्गा में और वहीं यहाँ पर 135 आपका यहाँ पर वीपीडीओ में और 135 सचिवालय कक्षा में यहाँ पाए गए हैं। और कहा गया 3 भर्तियाँ जो है रद्द हो चुकी हैं जो कि मार्च में दोबारा होंगी। तो 3 भर्ती रद्द हो चुकी है, मार्च में होनी है। आयोग के अध्यक्ष जो कि जेएस मर्तोले ने बताया कि एसटीएफ से मिलने वाली जो रिपोर्ट के आधार पर जो है नकल के जो आरोपी होंगे सभी अभ्यर्थियों को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट करने की बात कही गई है और पेपर लीक के हर आरोपी को जो है पहचान का अभियान। तो यहाँ पर पेपर लीक करने वाले जो अभ्यर्थी हैं सभी का जो है पहचान करने के अभियान यहाँ पर चालू है। और वहीं बात करें, महानिदेशक ने जो है अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की। तो यहाँ पर देखते हैं अशासकीय स्कूलों में जो है शिक्षकों की सेवा की गणना और संबंध में जो है शिक्षा महानिदेशक बंसीलाल तिवारी ने जो है अधिकारियों से 3 दिनों में जो है रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। और कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद जो है उसके मामले पर जो है यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर शासकीय स्कूल में जो शिक्षकों के मामले पर जो है मंगलवार को बैठक हुई और बैठक में जो है अधिकारी ने जो है 3 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट मांगी। तो 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है क्योंकि इनमें भर्तियाँ भी होनी है, कुछ अलग चीज़ें भी होनी है, तो सब कुछ यहाँ पर में होनी है और नए फैसले भी लेने हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर निर्णय, तो बीएससी नर्सिंग में 15 जनवरी तक मिलकर आवेदन करने का। और वहीं यहाँ पर योग्यता परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष में 6 लोग के विरुद्ध यहाँ पर आरोप जो है पत्र जारी हो चुका है और इंतजार खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में यहाँ पर नई भर्ती निकल चुकी है। तो यहाँ पर 15 से 64 पदों के लिए यहाँ पर नई भर्ती का जो वेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो आ चुकी है। तो नर्सिंग अधिकारियों के यहाँ पर 15 से 64 पदों की भर्ती यहाँ पर निकल चुकी है और इसके लिए यहाँ पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने यहाँ पर इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। महिला अधिकारी होंगे 1152। तो टोटल जो है महिला अभ्यर्थी 1152 पदों के लिए भर्ती होंगी, बाकी सब यहाँ पर मेल होंगे। और 12 जनवरी से यहाँ जो है 1 फरवरी तक जो है आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर 12 जनवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और मेरिट जो बनेगी आपके यहाँ पर उसमें आपके वर्षवार होगा, तो मेरिट बनने का जो तय होगा वो वर्षवार मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। इसके लिए 300 रुपये का लगेगा जनरल ओबीसी के लिए और जो SC ST होंगे उसको 150 रुपया शुल्क लगेगा। इसके लिए आप जो है आयोग के जो ऑफिसियल साइट है यहाँ से आपको आवेदन करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है जो पोस्ट होंगी वो आपके यहाँ पर नर्सिंग अधिकारी की होंगी 1554 पदों के लिए और 12 जनवरी से फॉर्म फिल करे जाएंगे। और इसमें अलग अलग जो रखा गया है आपके अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है, लगभग 1100 के करीब महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की जो है नई भर्ती के प्रस्ताव भेजेगा पुलिस विभाग। तो यहाँ पर उत्तराखंड में पुलिस भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से नई भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी 1500 पदों पर। कहा गया कि यहाँ जो है नौजवानों को जो है इस साल भी यहाँ जो पुलिस में भर्ती होने का जो है मौका मिल सकता है। और पुलिस विभाग जो है 1500 पदों पर नई भर्ती करने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा है और जल्दी जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से यहाँ पर से शासन को जो है भर्ती के लिए जो है प्रस्ताव भेज रहा है। और यहाँ पर 400 हेड कांस्टेबल की जो है पदोन्नति पर जो है मामला लटका हुआ है। और यदि शासन की ओर से पदोन्नति के जो आदेश जारी होते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेबल के 400 पद यहाँ पर खाली होने पर विभाग को जो है एक साथ भर्ती के लिए यहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते 400 हेड कांस्टेबल के यहाँ पर प्रमोशन पदोन्नत होने हैं, वो भी आपका प्रस्ताव शाम होने के बाद आपके लगभग लगभग 400 पदों की भर्ती भी आपके पुलिस कांस्टेबल में जोड़ दी जाएगी। तो उत्तराखंड में जो है
पुलिस कांस्टेबल के 1000 पदों पर जो है नई भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, और जो कि यहाँ पर जल्द ही आप जो शासन को भेजा जाएगा। 2000 पदों का अध्यादेश ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बस 400 पद ये प्रमोशन होने हैं, इसके बाद ये भी जुड़ जाएंगे। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर शासन को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर नई भर्ती के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, तो मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है, और ऐसे में यहाँ पर जो है जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की संभावना है। इसके अलावा जो है 400 हेड कांस्टेबल की जो अपर उप निरीक्षक पद पर जो है पदोन्नत किया जाना है, और वहीं यहाँ पर जो है इसके लिए शासन के आदेश का इंतजार है, और उसके बाद लगभग लगभग 150 के करीब जो है पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नर्सिंग भर्ती के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 12 से आपका आवेदन ऑनलाइन होगा, तो नर्सिंग पदों पर जो है 1564 पदों के लिए भर्ती आपकी आ चुकी है, इसके लिए भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर सहायक भू वैज्ञानिक और खनन अधिकारी के जो है पदों पर परिणाम जारी हो चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो है भू वैज्ञानिक के जो है 5 और खान अधिकारी के हैं 3 पदों के लिए यहाँ पर अंतिम सूची यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और BDO में जो है एक्सटर्नल युवाओं को यहाँ पर जो है 6 टोंको हीरा यूनिवर्सिटी में जाँच की गई है। और यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में जो है अभ्यर्थियों ने जो LT शिक्षा अभ्यर्थी है उन्हें निर्देशालय में धरना दिया है। कहा गया कि LT कला विषय का जो है परीक्षा परिणाम जारी करने की यहाँ पर मांग की है, तो LT कला वालों का यहाँ पर जो है जारी करने की मांग की है कि सहायक अध्यापक LT अभ्यर्थियों ने कला परीक्षा का जो यहाँ पर पेपर है उसका परीक्षा परिणाम जो है जारी करने की मांग की है, और निर्देशालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कला विषय के जो अभ्यर्थी उनके मामले में सरकार हाईकोर्ट में जो है मजबूत पैरवी यहाँ पर करें, तब जाके इनका हो, क्योंकि यहाँ पर डबल बेंच पर अभी भी इनका जो है मामला लटका हुआ है। और उत्तराखंड में यहाँ पर जो है छावनी परिषद जो है क्लेमेंट टाउन देहरादून में यहाँ पर सहायक अध्यापक की पोस्ट निकाली गई है, और यहाँ पर निरीक्षक की है, जूनियर असिस्टेंट की है, तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते सहायक अध्यापक LT पदों पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। 2 पोस्ट अनारक्षित का एक है और OBC का एक है, और स्वच्छता निरीक्षक का यहाँ पर एक पोस्ट है, और वहीं अब जूनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट अनारक्षित का है, और एक पोस्ट अनुसूचित जाति के रखे लिए रखा गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, 2 वेबसाइट जारी करे हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो 31/1/2023 तक करना है, तो 9/1 से लेके 31/1/2023 तक करना है, तो 9 से शुरू होगा और 31 तारीख तक जो है आप आवेदन यहाँ पर कर पाओगे। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, जो यहाँ पर MCL में जो है 295 पदों पर जो है जूनियर ओवर मैन माइनिंग अन्य पोस्ट निकाले गए हैं, इसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है FIR में पोस्ट निकाली गई है, जो कि 72 पदों की पोस्ट है, ये आपकी निकल की आई है देहरादून में, और इसमें यहाँ पर जो है 1500 रुपये शुल्क लेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया है, तो FIR देहरादून में है, तो वहाँ पर आवेदन करना है आपको। और NHPC में यहाँ पर 401 पदों पर जो है ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट निकाले गए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 5 जनवरी 2023 तक, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, तो इन पदों पर भी आप आवेदन कर सकते हैं।